गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पैलीमोन के स्ट्रक्चर के बारे में। और हमने पढ़ा था पैलीमोन की जो बॉडी है वो 19 सेगमेंटेड होती है और प्रत्येक सेगमेंट्स पर एक जोड़ी उपांग या अपेंडिडेस पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर उन्हीं अपेंडिडेस के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, हम यदि एक टिपिकल अपेंडिडेस देखें पैलीमोन का, तो प्रत्येक जो अपेंडिडेस है वो प्रोटोपोडाइट एक बेस होता है और इस बेस से दो ब्रांचेस निकली रहती हैं, ठीक है, का बना होता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज द बाइलैमस स्ट्रक्चर। प्रत्येक अपेंडिडेस इस प्रकार की संरचना है, बाइलैमस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक प्रोटोपोडाइट जिससे कि दो शाखाएं निकली हुई रहते हैं। यदि हम एक टिपिकल प्रोटोपोडाइट का बात करें तो प्रोटोपोडाइट जो है वो दो सेगमेंट से मिलकर बना हुआ संरचना होती है। उसके अंदर फर्स्ट सेगमेंट जो कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है, दैट इज नॉन एज अ कॉक्सा, और इसका डिस्टल सेगमेंट जो क्या कहलाता है, डिस्टल सेगमेंट कहलाता है इसका बेसिस। ओके, प्रॉक्सिमल कॉक्सा सेगमेंट्स वो सेगमेंट्स होता है जिसके द्वारा जो अपेंडिडेस हैं वो बॉडी के साथ में अटैच रहते हैं, और इसका डिस्टल पार्ट बेसिस कहलाता है। और इसी बेसिस पर आगे की तरफ रैमाई या ब्रांचेस जो है वो अटैच रहते हैं। ओके, ये जो रैमाई है, ये रैमाई भी क्या होती है, सेगमेंटेड संरचनाएं होती है, खंडों की बनी हुई होती है ये, और ये खंड क्या कहलाते हैं इसके, ये खंड इसके कहलाते हैं पोडोमियर्स। ओके, तो किस प्रकार के अपेंडिडेस है पैलीमोन के अंदर, बाइलैमस अपेंडिडेस जो है वो पैलीमोन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैलीमोन का फर्स्ट सिफेलिक अपेंडिडेस जो कि है क्या, एंटीन्यूल। ओके, एंटीन्यूल कहाँ सिचुएटेड है, एंटीन्यूल जो है वो रोस्ट्रम के नीचे जो आई स्टॉक है, आई स्टॉक के दोनों तरफ एक एक एंटीन्यूल पाया जाता है। एंटीन्यूल पॉलीमोन के अंदर वो संरचना होती है जो कि बाइलैमस नहीं होती है। ये किस प्रकार की संरचना है, ये यूनिलैमस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, बाइलैमस स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि टू रैमाई होती है, इसके अंदर एक रैमाई जो होती है वो आउटर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोपोडाइट। ओके, और इनर की तरफ इसके रैमाई या ब्रांच वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंडोपोडाइट। लेकिन एंटीन्यूल यदि हम यहाँ देखें स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो एंटीन्यूल है। एंटीन्यूल इसके अंदर क्या होता है, यूनिरैमस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नॉट द बाइरैमस स्ट्रक्चर। ओके, एंटीन्यूल के अंदर क्या पार्ट होते हैं, एंटीन्यूल के अंदर जो प्रोटोपोडाइट है वो दो सेगमेंट्स की बजाय तीन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। तीन सेगमेंट्स कौन कौन से, प्रीकॉक्सा, कॉक्सा और बेसिस। ओके, इसके अंदर जो प्रीकॉक्सा का जो आउटर सरफेस है उस पर एक गड्ढी नुमा संरचना पाई जाती है जहाँ पर प्रॉन का जो स्टेटोसिस्ट है उसका छिद्र जो है वो ओपन होता है, इज ए ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट विच इज कवर्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। ओके, एंड इट इज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ दिस प्रीकॉक्सा। ओके, इस छिद्र के जस्ट नीचे की तरफ एक कवरिंग, एक जो है कंटक नुमा संरचना पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टाइलोसीराइट स्ट्रक्चर। ओके, इसके आगे की तरफ एक स्पाइन निकला हुआ रहता है। आगे चल रही कॉक्सा जो है वो इसका थोड़ा बेलाकार पार्ट होता है और कॉक्सा के ऊपर बेसिस पाया जाता है जिस पर की दो रैमाई पाई जाती है। इसकी जो इनर रैमाई है दैट इज नॉन एज द इनर फिलर, और आउटर जो फिलर है वो फिर वापस से क्या होता है, बाइफर्केटेड होता है। ओके, एंटीन्यूल पैलीमोन के अंदर जो जो फिलर्स हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर संवेदी शू पाए जाते हैं जिसकी वजह से एंटीन्यूल किस प्रकार का ऑर्गन का काम करता है, दैट इज नॉन एज द टैक्टाइल रिसेप्टर। एक स्पर्श ग्राही अंग के रूप में जंतु ये जंतु का एंटीन्यूल कार्य करता है, ठीक है। अब हम एंटीन्यूल के नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर फिर
का टेस्ट रहता है और इसका एंटीना का जो एक्सोपोडाइट है, जो बाहरी वाली रेमाइन है जिसको हम एक्सोपोडाइट कहते हैं, वो किसकी भांति होती है? वो एक स्केल नुमा संरचना होती है जिसको हम स्केल या स्क्वेमा कहते हैं। ठीक है, इसके जो बाहरी किनारे हैं उस पे क्या पाए जाते हैं? सीटी पाए जाते हैं। ओके, इसके ऊपर सीटी पाए जाते हैं और आंतरिक किनारे पर इसके अंदर स्पाइन पाया जाता है। एंटीना भी जो है वो स्पर्श ग्राही अंग के रूप में और उत्सर्जी अंग के रूप में जो है वो ये कार्य के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये तैरते समय जब जंतु तैरता है उस टाइम पे जो इसका जो एक्सोपोडाइट है वो एक तरह से बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है। थर्ड यदि हम बात करें सिफेलिक अपेंडिक्स की, दैट इज जो कि माउथ के दोनों लेटरल साइड के अंदर लेफ्ट और राइट साइड के अंदर एक कैलकेरियस प्रवर्ट के रूप में संरचना पाई जाती है विच इज नॉन एज द मैंडिबल। देखिए मैंडिबल के अंदर क्या होता है, मैंडिबल के अंदर अधिकांश जो मैंडिबल का पार्ट है वो कोक्सा का बना हुआ रहता है। ओके, और इस कोक्सा के अंदर की जो ट्रायंगुलर खोखली नुमा संरचना होती है ये कहलाती है एपोफाइसिस और ऊपर की तरफ वाली जो संरचना है ये कहलाता है हेड ऑफ द कोक्सा। और इस हेड के किनारों के अंदर दो प्रकार के कंटीले प्रवर्ट पाए जाते हैं। ओके, ये प्रवर्ट क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मोलर प्रोसेस और इंसीजर प्रोसेस। इन दोनों जो प्रोसेस है इनके ऊपर दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो एंडोपोडाइट है ये थोड़ा मैंडिबुलर पल्प कहलाता है और इस मैंडिबुलर पल्प का जो निचला हिस्सा है ये बेसिस के रूप में कार्य करता है। ओके, मैंडिबल क्या कार्य करते हैं जंतु के अंदर? इन मैंडिबल्स जो है वो भोजन को काटने और भोजन को पीसने का कार्य इनके ऊपर जो दांत पाए जाते हैं इनके मोलर और इंसीजर प्रोसेस उसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड सिफेलिक अपेंडिक्स, दैट इज नॉन एज द मैक्सिलोला। मैक्सिलोला जो होता है कोई पत्ती नुमा संरचना होती है, पतली पत्ती नुमा संरचना होती है। इसके अंदर इसका जो कोक्सा और बेसिस रीजन होता है उसके भीतरी किनारों पर जो है वो दांत नुमाई संरचनाएं पाई जाती है जो क्या कहलाती है? ये एंडाइट्स कहलाती है या इन्हें ग्रेथो बेसिस भी कहते हैं। जो मैक्सिलोला है उसका एंडोपोडाइट, इसके अंदर एक्सोपोडाइट जो है वो एब्सेंट होता है और एंडोपोडाइट जो है वो एक कर्व नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है जो कि आगे से क्या होता है? बाइफर्केटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करें लास्ट सिफेलिक अपेंडिक्स जो मानव जंतु का है, दैट इज मैक्सिला। मैक्सिला भी समहाउ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कोक्सा जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा होता है और ये सूचर्स के द्वारा हल्का सा सब डिवाइडेड रहता है। ओके, इसके ऊपर चले, ये वाला पार्ट हो गया इसका बेसिस और बेसिस भी यहाँ पर आगे की तरफ जो इसके किनारे हैं वो डेंटाइन युक्त होते हैं जो कि ग्रेथोबेस कहलाते हैं। और इसका जो एंडोपोडाइट है वो एक प्रवर्ट के रूप के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्सोपोडाइट है, इसका एक्सोपोडाइट जो है एक पंखे नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है स्कैफोग्नेथाइट। ओके, और इस स्कैफोग्नेथाइट के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं? संवेदी सीटी पाए जाते हैं। ओके, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ क्या आज सिफेलिक अपेंडिक्स।